हेलो बच्चों, बेटा आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है किसी प्रकार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो हमें जो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा है इसका मान हमें बताना है। तो जो इसमें क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है? सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। तो सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है इसमें ये लिख लेते हैं। दिया है, देखो, एक तो दे रखा है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट दिया है। E = 12 वोल्ट हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात जो दे रखी इसमें, देखा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है इसमें? 0.4 ओम ये दिया है, ठीक है। दो बात इसमें दी गई हैं। अब हमें जो निकालना है वो कह रहा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमें अधिकतम धारा यानी कि आई मैक्स निकालना है, आई मैक्स की वैल्यू हमें निकालना है। ये क्या है? अधिकतम धारा है, ठीक है। अधिकतम धारा, ये अधिकतम धारा का मान है आई मैक्स। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला जो सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र होता है I = E / r + R। ये सूत्र होता है, ठीक है। I = ये क्या है? विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये संधारित्र का प्रतिरोध है। अब यहाँ पर महत्तम, जब भी महत्तम की धारा की बात आए, ध्यान रखना बच्चों की जब धारा कैसी हो? अधिकतम हो। जब धारा अधिकतम अधिकतम हो तब तब R का जो मान होता है यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जब किसी भी परिपथ में धारा अधिकतम होगी तो तब उस स्थिति में जो R का मान होता है प्रतिरोध का वो 0 होता है। तो उस स्थिति में हम लिखेंगे कि I मैक्स, I कितना है? मैक्सिमम है। E = E / r + इसका मान कितना रख देंगे हम? यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देंगे इसमें, E की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर देखो 12 वोल्ट दी है तो 12 वोल्ट रख दिया। नीचे R की वैल्यू कितनी देखी है? 0.4 ओम, ठीक है, इसका मान रख दिया। अब हमने देखो ये पॉइंट काटेंगे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? आई मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी 120/4। 4 से इसको काट देंगे, 120 को 4 या 12 यानी कि 30 बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30। धारा निकाली हमने 30, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर, बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, ये मैक्सिमम धारा हमने निकाली बैटरी से ली जाने वाली मैक्सिमम यानी कि अधिकतम धारा 30 एम्पियर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? तो हमें प्रतिरोध निकालना है, जो अभी हमने R = जो 0 लिया था मैक्सिमम पर वही प्रतिरोध हमें आज निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं V यहाँ पर क्या है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो इसमें भी जो दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। E का मान दे रखा है विद्युत वाहक बल का मान 10 वोल्ट। कितना मान दे रखा है इसका? 10 वोल्ट। दूसरी बात इसमें दे रखी, देखो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल R का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3 ओम दिया है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि धारा का मान, धारा मतलब I का जो मान दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है 0.5 एम्पियर। धारा का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। तो हमें प्रतिरोधकता का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है यहाँ पर R यानी कि कैपिटल R निकालना है। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र वही रखेंगे
जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में रखा था। सूत्र क्या था यहाँ पर, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल R, तो यही सूत्र यहाँ पर हम रखेंगे। तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पर देखो इसको स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर को इधर ले आएंगे और आर को इधर ले आएंगे, तो इसको या करके हम लिख देंगे आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। आई का मान उधर पहुंच जाएगा अपॉन में, तो मान रख लेते हैं यहाँ पर स्मॉल आर का मान कितना रखा है यहाँ पर, तीन, तो तीन रख दिया प्लस कैपिटल आर, इसका तो मान हमें निकालना है, इज इक्वल टू कैपिटल ई का मान कितना है यानी कि विद्युत वाहक बल का, दस, ऊपर दस रख दिया, नीचे आई का मान कितना है यहाँ पर 0.5 एम्पियर। देखो दशमलव काटेंगे एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर की तरह, इस पांच से इसको काट देंगे 100 को 50, कितना जाएगा 5 × 10 = 20 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, क्योंकि 20 × 5 = 100 होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + R = 20। आर का मान निकालेंगे 20, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, तो R का जो मान है हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये R इज इक्वल टू आ जाएगा 20 में से 3 घटा दो 17 ओम, 17 ओम ये आंसर आ गया, ठीक है 17 ओम ये आंसर आ गया। बात समझ आ गई या नहीं, क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि जब परिपथ बंद है तो बंद की स्थिति में तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। जब परिपथ हमने बंद कर दिया तो उस समय सेल की जो टर्मिनल वोल्टता यानी कि उसके जो टर्मिनल पर जो वोल्ट रहेंगे यानी कि विभव रहेगा वो कितना होगा, तो इस बात को और ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ज्ञात, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता करेंगे हम, सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी होगी, वोल्टता का मतलब होता है विभव से, यानी कि विभव V इज इक्वल टू होता है ओम के नियम के अनुसार आई आर, कितना होता है ओम के नियम अनुसार आई आर। आई की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, आर की वैल्यू हमने निकाली है अभी, आर इज इक्वल टू 17 ओम, तो दोनों का मान रख देंगे यहाँ पर, आई का मान 0.5 गुणा आर का मान 17, वी इज इक्वल टू, तो वी का मान आ जाएगा 17 × 5 कितने होते हैं 85, 85, दशमलव कितने के बाद लगेगा, तो यहाँ 5 के बाद यानी कि 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद यहाँ लग जाएगा 8.5, वी का जो मान आ गया कितना आ गया 8.5 वोल्ट, क्लियर। ये जब परिपथ बंद है उस समय जो बैटरी के टर्मिनल की वोल्टता है यानी कि सेल की टर्मिनल की जो वोल्टता है वो कितनी होगी 8.5 वोल्ट होगी, क्लियर हो गया ना। ये दो न्यूमेरिकल थे बच्चों, अगर आपको ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल पसंद आए हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। हमारे चैनल का नाम आपको पता है कि चैनल का नाम है संजय CRDM। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और लाइक जरूर कर दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अब हम इसके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो आएगा उसको हम कल सोल्व करेंगे, 3, 5, 6 दो तीन न्यूमेरिकल हम कल सोल्व कर लेंगे। आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहें। धन्यवाद।